वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन कनक क्लासेस। बेटे, टुडे वी विल लर्न एन एक्सपेरिमेंट विच इज रिलेटेड टू क्लास 9th फिजिक्स। ठीक, और आप सबको पता है कि इफ वी आर गोइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट, इट मींस उसका कुछ ना कुछ एम होना चाहिए, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट होना चाहिए। व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, लिसन इट केयरफुली। To determine the density of an object which is solid by using a spring balance and a measuring cylinder। बेटे, हम लोगों को किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है और स्प्रिंग बैलेंस और मेजरिंग सिलेंडर की सहायता से। तो अब इसके लिए हमको पता है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो हमको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है, कुछ ना कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, अपार्टस की जरूरत होती है। तो क्या क्या अपार्टस हमें यूज करना है उसको देख लेते हैं। चलिए देखिए बेटा, हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट या अपार्टस की हमको जरूरत पड़ती है स्पेक्ट्रल करने के लिए। सबसे पहला चीज, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट, थ्रेड भी हमको चाहिए होगा, स्प्रिंग बैलेंस, मेजरिंग सिलेंडर और एक वुडन स्टैंड चाहिए। वुडन स्टैंड का मतलब होता है, और एक बीकर भी चाहिए विद वाटर। ठीक है, यहाँ पे चीज हम लोग पढ़ा लेते हैं, बीकर, बीकर विद वाटर। तो अब आप समझ सकते हैं कि इन चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें अपने एक्सपेरिमेंट में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये देखिए एक वुडन स्टैंड है बेटा, यहाँ पर हुक लगाने के लिए जगह है और ये इसका बेस है। ठीक, एक वुडन स्टैंड या आयरन स्टैंड के हम बेटे, हमें एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले सकते हैं, जैसे मैंने यह लिया है, इसके अलावा आप ये ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, और थ्रेड भी मैंने उसमें मेजर किया, मेंशन किया है, और ये जैसे कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी हमको फाइंड आउट करनी है हम वो ले लेंगे। इसके बाद आपको एक मेजरिंग सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, यह मेजरिंग सिलेंडर आप देख सकते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको एक्सपेरिमेंट में। उसके बाद आपको एक बीकर की जरूरत पड़ेगी, इस बीकर में मैंने वाटर भी ले रखा है, तो एक बीकर की भी जरूरत आपको पड़ेगी, और साथ ही साथ वी रिक्वायर्ड वन स्प्रिंग बैलेंस, एक स्प्रिंग बैलेंस की भी जरूरत हमको पड़ेगी। ठीक है, तो इन ऑपरेटर्स के द्वारा हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा दो काम तो पूरा हो गया, पहला आपका जो है एम ऑफ द प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का एम क्या है, तो उसमें हमने लिखा कि हमने किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है बाय द यूजिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस एंड मेजरिंग सिलेंडर। उसके बाद हमने रिक्वायर्ड मटेरियल क्या क्या चाहिए, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट चाहिए थ्रेड के साथ, मैंने शो किया, स्प्रिंग बैलेंस, मेजरिंग सिलेंडर, वुडन या आयरन स्टैंड और एक बीकर विद वाटर। इतनी चीजों के बाद अब आगे बढ़ते हैं कि थ्योरी क्या कहती है, थोड़ा सा थ्योरी भी समझ लेते हैं। तो बेटे, हमारी थ्योरी हमें थोड़ा बहुत जानना जरूरी है इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, क्योंकि हमको डेंसिटी निकालना है, तो हमें मास के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, डेंसिटी के बारे में, और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं उनके लिस्ट काउंट के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो थ्योरी के अनुसार सबसे पहला टॉपिक हमारा है मास। आपको मास का डिफिनेशन मैंने पहले ही समझा दिया था और बता भी चुका हूँ पहले के क्लासेज में कि द मैटर कंटेंट बाई एनी बॉडी इज नोन एज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर एग्जिस्ट करता है वही उसका मास होगा। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट हमको जानना चाहिए, मास की एसआई यूनिट होती है केजी, किलोग्राम, और इसकी सीजीएस यूनिट भी जानिए आप, सीजीएस यूनिट होती है ग्राम। ठीक, तो मास की थ्योरी आपको समझ में आ गई। अगला हमारा है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या कहता है, कि वॉल्यूम की डिफिनेशन भी आपको यह जानकारी हो चुकी है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी में, कि द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट कितना स्थान घेरता है
वही उसका वॉल्यूम होता है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब, ठीक। और इसकी सीजीएस यूनिट भी हमें जानना चाहिए जरूर। सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब या क्यूब सेंटीमीटर। देखिए अब यहां ध्यान दीजिए, कई तरह की यूनिट के बारे में हम बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई तरह के यूनिट्स होती हैं। आप एसआई यूनिट जानते हैं, एमकेएसए यूनिट होती है, एफपीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट होती है। कभी इनके बारे में भी डिटेल में मैं बताऊंगा, उसका वीडियो बनाऊंगा आप लोगों की हेल्प के लिए। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा दो थ्योरी में मास हमने जान लिया, वॉल्यूम जान लिया, थर्ड हमारा टॉपिक है डेंसिटी, जो कि हमको फाइंड आउट भी करना है। और डेंसिटी की डिफिनेशन हम बोल सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा केजी पर मीटर क्यूब, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और सीजीएस यूनिट इसकी क्या होगी? सीजीएस यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आपको मास के बारे में भी रिकॉल हो गया, समझ गए, वॉल्यूम भी हम समझ गए और डेंसिटी भी हम समझ गए। इसके बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है जिसका नाम है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया यह समझ लेना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि जब हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हम लोग बहुत से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक कैपेसिटी होती है कि कितना मिनिमम रीडिंग वो मेजर कर सकता है, ठीक है। तो आप इस आधार पर कह सकते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट कितना मिनिमम मेजरमेंट करेगा, द मिनिमम मेजरमेंट डन बाई एनी, या जितना भी इसको इस तरह कर सकते हैं, इट इज द मिनिमम मेजरमेंट, ठीक है, विच इज गिवन बाई एन इंस्ट्रूमेंट। कोई ऑब्जेक्ट कितना छोटी से छोटी रीडिंग को मेजर कर सकता है वही उसका लीस्ट काउंट होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, अब ये भी देख लेते हैं कि लीस्ट काउंट हम लोग कैलकुलेट कैसे करें, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। इस स्प्रिंग बैलेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर 500 ग्राम तक का रीडिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको पूरा नहीं देखना है, हमको सबसे पहले जीरो, उसके बाद 50 ग्राम दिया हुआ है। अब जीरो और 50 ग्राम के बाद आप देख सकते हैं कि जीरो और 50 ग्राम के बीच में 10 लाइंस होती हैं, ठीक है। तो लीस्ट काउंट मेजर करने का तरीका होता है बेटे कि जो टोटल जो रीडिंग हमारी कितनी तक थी, 50 ग्राम तक की, और इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 10 पार्ट्स, 0 से 50 के बीच में आप देख सकते हो है 10 लाइंस है 0 से 50 के बीच में। तो 10 से डिवाइड कर दें तो यानी कि ये आया 5 ग्राम, देख रहे हैं। तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है मिनिमम 5 ग्राम मेजर कर सकता है, इससे कम अगर वैल्यू मेजर करनी पड़ी तो ये स्प्रिंग बैलेंस उसके लिए सुटेबल नहीं है, फिर हमको दूसरा स्प्रिंग बैलेंस लेना पड़ेगा उस छोटी रीडिंग को मेजर करने के लिए। तो इस तरह से आपके सामने मैंने चार बातें बताई थ्योरी के रूप में। पहला आपको हमने बता दिया मास, वॉल्यूम, डेंसिटी और लीस्ट काउंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ऑब्जर्वेशन। हमने एम जान लिया, रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स जान लिए, उसके बाद हमने थ्योरी भी जब समझ लिया, नाउ वी विल डिस्कस ऑन ऑब्जर्वेशन कि आप अब देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और फिर उसके बाद उसका रीडिंग यहाँ पर लिखिए। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन में हम करेंगे जीरो एरर का स्टडी, ठीक। इस स्प्रिंग बैलेंस का पॉइंटर आप देख पा रहे होंगे, अगर इसके पॉइंटर को ध्यान से देखा जाए तो देखिए ये पॉइंटर बिल्कुल जीरो वाली रीडिंग पर है, देख रहे, यानी कि अगर ये जीरो से ऊपर या नीचे रहता तो अब हम कहते कि इसमें जीरो एरर है, लेकिन ये पॉइंटर जीरो पर है,
इसलिए इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। तो अगर हमको लिखना रहे पहला चीज हमने मेजर किया ऑब्जर्व किया जीरो एरर इन स्प्रिंग बैलेंस में जीरो एरर है कि नहीं हमने ऑब्जर्व किया कि नहीं, इसको हम नहीं लिख सकते हैं। अब इस स्प्रिंग बैलेंस का हम लिस्ट काउंट कैलकुलेट करें। तो दूसरा है लिस्ट काउंट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, लिस्ट काउंट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। एक चीज और बता दूं, ये जो जीरो इधर है तो ज्यादातर क्या होता है ना, जो स्प्रिंग बैलेंस होता है उसमें यहाँ पे जीरो सेटर होता है जिसको रोटेट करके हम सेट कर सकते हैं जीरो पर। इस स्प्रिंग बैलेंस में ऐसा नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं ये, लेकिन इसमें जीरो एरर नहीं है। अगर जीरो एरर होगा तो हम या तो दूसरा स्प्रिंग बैलेंस ले लेंगे या फिर उसे सेट कर लेंगे। तो अब इसका स्प्रिंग बैलेंस का लिस्ट काउंट निकाल लें कि मिनिमम यह कितना मेजर कर सकता है। तो मैंने यहाँ आप लोगों को दिखाया था कि आप देख सकते हैं यहाँ जीरो से लेकर 50 इसके बीच में कितनी लाइंस हैं, 10 लाइंस। तो सबसे पहले हम जो हमारा मेजर है वह 50 है और इसके अंदर नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं 10। तो अब इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं 5 ग्राम, यानी कि यह स्प्रिंग बैलेंस मिनिमम 5 ग्राम रीडिंग को मेजर करेगा। ठीक है, 5 ग्राम रीडिंग को मेजर करेगा। इसी तरह अब हम स्प्रिंग बेल, अरे ये जो हमारा मेजरिंग सिलेंडर है, अब इसका हम लिस्ट काउंट भी कैलकुलेट कर लें। तो आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट है इसलिए दिख नहीं रहा है सही से। आप देखिए यहाँ पर 30 ml दिया हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ बल्कि बोलकर यहाँ पर बेटे 30 ml से दिया हुआ है, फिर 50 ml, 70 ml, 90 ml, यानी 20 ml के डिफरेंस पर यह रीडिंग दी गई है इसके। ठीक, तो अब हमको ये देखना है कि 30 के बाद किस पे आ गए 50, 30 के बाद 50 पे आ गए, यानी दो के बीच में कितने का गैप आ रहा है 20 ml का। तो तीसरा पॉइंट वाला हुआ लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग सिलेंडर इक्वल टू लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग सिलेंडर इक्वल टू। तो अब बेटे देखिए इसमें रीडिंग 30 से फिर 50 पे गया, तो पहले तो इनमें डिफरेंस निकाल लें। तो 50 माइनस 30 अपॉन कितने डिवीजन है 30 से 50 के बीच में, तो वो 10 डिवीजन है। इट इज नॉट अपियरिंग आई थिंक, देखिए दिख रहा है तो 10 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, तो 10 से डिवाइड करते हैं। अब 10 से डिवाइड करने के ऊपर 20 आया, नीचे 10, 0 से 0 क्रॉस हो गया और ये बचा हमारा 2 ml, यानी कि इस मेजरिंग सिलेंडर की लिस्ट काउंट कितनी होगी 2 ml मिनिमम, या 2 ml क्वांटिटी को अच्छे से मेजर कर लेना। ठीक है, अब इससे कम मेजर करना होगा तब यह मेजरिंग सिलेंडर उसके लिए सुटेबल नहीं होगा, उसके लिए हमको दूसरा मेजरिंग सिलेंडर लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने ऑब्जर्वेशन में जीरो एरर स्प्रिंग बैलेंस का निकाल लिया, लिस्ट काउंट स्प्रिंग बैलेंस का निकाल लिया, लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग सिलेंडर भी हमने निकाल लिया, ये आया 2 ml। बेटे अभी ऑब्जर्वेशन में हमारा एक काम रह गया था, जो हम सॉलिड यूज कर रहे हैं जिसकी डेंसिटी हमको फाइंड आउट करनी है, उसका मास अभी हम लोग नहीं निकाले थे। तो देखिए एक स्प्रिंग बैलेंस को इस वुडन स्टैंड के थ्रू मैंने हैंग कर दिया है और इसमें हमने इसको हैंग करके इसका वेट निकालना चाहा, तो आप देख पा रहे होंगे पॉइंटर को, पॉइंटर 50 ग्राम पर, एक मिनट ये देखिए, ये पॉइंटर जो है इस स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू हम जब इसको हैंग किए तो इसके मास को ये बता रहा 50 ग्राम है। तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर या ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट
इक्वल टू 50 ग्राम, ये ऑब्जेक्ट का मास है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू 50 ग्राम। अब निकाल लेते हैं, वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जान रहे हैं डेंसिटी निकालने के लिए हमको मास भी चाहिए और वॉल्यूम भी चाहिए, और वॉल्यूम भी हम ऑब्जर्वेशन मेथड से पहले निकाल लें। तो मेजरिंग सिलेंडर में हम पहले इनिशियल पोजिशन फिर फाइनल पोजिशन जो वाटर का लेवल होगा उन दोनों को निकाल कर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं बेटे, ये देखिए मैंने ये ले लिया मेजरिंग सिलेंडर और बीकर में जो वाटर हमने लिया था उसको मैं इसमें पोर कर रहा हूँ, अपने जरूरत के अनुसार इसमें हम पोर कर लेंगे और एक लेवल तक लाकर इसको छोड़ देंगे। हमेशा याद रखिए कि जब भी हम मेजर करेंगे वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर की सहायता से, तो हमें ये ध्यान देना है कि इसका जो वाटर का लोअर मिनिस्कस होगा वह हमारे रीडिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसी को हम रीडिंग मानेंगे। मिनिस्कस क्या मतलब होता है, आपने नोटिस किया होगा जब भी वाटर आप पोर करते हो किसी ऑब्जेक्ट में तो इसका चंद्राकार जैसा आकार हो जाता है, मिनिस्कस इसी को कहते हैं। जैसे ये वाटर फिलअप है तो नीचे की तरफ जो पोर्शन होगा वाटर का उसको हम मानेंगे सही रीडिंग। तो इस समय आप इसको देखने का तरीका ये होता है बेटे कि बिल्कुल सामने से इसको देखा जाता है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये अभी 130 ml से ज़्यादा हो गया, तो मैं इसे एडजस्ट कर लूँ तब फिर बताता हूँ, ठीक है बेटे। तो चलिए अब इसका भी ऑब्जर्वेशन कर देते हैं। इनिशियल वॉल्यूम इसका हमने लिया 130 ml, ठीक। ऑब्जर्वेशन टेबल में हम लिखेंगे कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर ही, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर ही 130 ml। अब देखिए अब इसे इसमें डुबाते हैं और डुबा कर बिल्कुल सामने से देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 1 division ऊपर गया, केवल 1 division ऊपर, यानी 132 ml आ रहा है फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो बेटे इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या आया है आपका 130 ml था, और फाइनल वॉल्यूम हमने जब उसने उसको डुबाया तो 132 ml आया। इनिशियल वॉल्यूम हमारा 132 और फाइनल वॉल्यूम कितना आया 132 ml, ठीक। तो अब निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द, भाई आप बात को समझिए, जब इसमें सॉरी मैं बार बार गलत शब्द यूज कर दे रहा हूँ, सबसे पहले हमारा बेटा क्या था वॉल्यूम, जो मेजरिंग सिलेंडर में वाटर फिलअप था उसका वॉल्यूम था इनिशियल वॉल्यूम 130 ml, और जब हमने उसमें अपना ये सॉलिड डुबाया, इस सॉलिड को डुबाया तो इसका वॉल्यूम हो गया बढ़कर 132 ml। तो अगर हमको अब इस सॉलिड का वॉल्यूम हमको निकालना है तो क्या करेंगे, हम फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब इसे माइनस कर दें वॉल्यूम रखकर, वी विल पुट पीआर 132 माइनस 132 ml, और इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं 2 cubic centimeter, यानी सेंटीमीटर क्यूब ही। क्यों? क्योंकि 1 ml इज इक्वल टू होता है 1 cm³ या 1 cubic centimeter। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है और इसका यूज करके हम लोग यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन मैंने कर दिया ml को, जो कि ml में हमारा वॉल्यूम आया था सॉलिड का, उसको मैंने क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया इस फार्मूले को यूज करके, ठीक है। It is already proved. तो हम लोगों को इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम पता चल चुका था,
तो हम कैलकुलेशन अब करेंगे, हमारा ऑब्जर्वेशन का अगला टॉपिक होगा कैलकुलेशन का। उस कैलकुलेशन में हम लोग इसको क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने कैलकुलेट कर लिया, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिलने के बाद ये आया 2 cm³ या 2 cm³। यहाँ पे लिख देते हैं 2 cm³, और मास ऑफ द सॉलिड क्या था, मास ऑफ सॉलिड हमारा था 50 ग्राम। तो अब डेंसिटी हमको फाइंड आउट करनी है, हमको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक, वॉल्यूम पुट अप कर दे, मास था 50 ग्राम, वॉल्यूम इसका आया हुआ है 2 cm³ या क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 25 g/cm³। इट इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो अब आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा एक्सपेरिमेंट का पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया, क्या था हमारा सबसे पहले एम, फिर मटेरियल रिक्वायर्ड्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें यूज करने थे, इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बाद हमने थ्योरी के बारे में बात किया, फिर ऑब्जर्वेशन किया हमने, उसके बाद हमने कैलकुलेशन करके जो हमको फाइंड आउट करना था डेंसिटी ऑफ सॉलिड उसको हम लोगों ने फाइंड आउट किया। तो इसी तरह जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे हम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप उसे करके देखेंगे। अब इसमें एक पॉइंट आता है रिजल्ट का, तो रिजल्ट में यही चीज रहेगी, रिजल्ट में हम लिख देंगे कि द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज 25 g/cm³। रिजल्ट भी हमको पता चल गया। अब लास्ट में कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो उसके लास्ट में हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए उसके बारे में भी लिख देना चाहिए कॉपी में अपने। तो ये उम्मीद है आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और लैब में भी इस एक्सपेरिमेंट को आप करके देख पाएंगे। तो अब प्रिकॉशन क्या क्या लेंगे हम लोग, प्रिकॉशन के लिए सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि जो भी, जैसे इस एक्सपेरिमेंट में मैंने किया, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक मतलब गांठ पड़ गई है, कोशिश कीजिए एक सिंगल थ्रेड यूज कीजिए, और थ्रेड यूज कीजिए, कोई भारी या हैवी धागा नहीं यूज करें, लाइट वेट थ्रेड। ठीक, दूसरी चीज जो स्प्रिंग बैलेंस हम यूज करते हैं उस स्प्रिंग बैलेंस को हमें यह ध्यान देना है कि उसमें कोई जीरो इरर तो नहीं है, उसके जीरो इरर को हमको सही कर लेना है। उसके बाद जो मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर में जो रीडिंग हम लोग लेते हैं उस रीडिंग में हमको लोअर मिनिस्कस को बहुत ध्यान से देखना है, और इसको देखने का तरीका मैंने बताया, बिल्कुल सामने से आपको देखना पड़ता है। ठीक, तो ये ध्यान। दूसरी जो आप स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं वो वर्टिकली हैंग करना है, ठीक है, ऐसे हाथ में पकड़ लिए नहीं, किसी फिक्स पॉइंट से उसको हैंग करके तब उसका मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे। तो बच्चों इस तरह से आप लोग, उम्मीद है इस एक्सपेरिमेंट को अब आगे कर पाएंगे, और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और भी एक्सपेरिमेंट्स के ऐसे ही वीडियो मिलते रहें, और सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन एक होता है नोटिफिकेशन का, उसे भी जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू।